मुमरा शहर में रोड किनारे खड़ी गाड़ियों में ट्रैफिक पुलिस अब पार्क की गई गाड़ियों में जैमर लगाकर कार्रवाई करेगी। एक तरफ दो पहिया गाड़ियों पर टोइंग द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ अब चार पहिया गाड़ियों में जैमर लगाने की तैयारी चल रही है। एनसीपी नेता शमीम खान ने ट्रैफिक सीनियर और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को 40 जैमर भेंट किया है और बताया कि अब कार्रवाई तेजी से की जाएगी और ट्रैफिक समस्या पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी नेता शमीम खान ने क्या बताया, आप सुनिए। हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब कोलटकर साहब और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमने उनको एक शॉर्ट नोटिस में कॉल किया और आप तशरीफ लाए कि हमने आपसे बताया कि सर जिस तरीके से हमने डीसीपी ट्रैफिक साहब से राठौड़ साहब से हमने हमारे एक डेलीगेशन ने प्रॉमिस किया था कि जो हमारा डिस्कस हुआ था ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के उसमें डीसीपी साहब ने ये कहा था कि वहाँ पर जैमर की भी कमी है तो हमने वहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि अगर सर जैमर की कमी है तो उसको हम लोग हमारी तरफ से देना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज साहब को। तो उन्होंने कहा था आप श्योर दे दीजिए उनको, तो आज यही जैमर देने के लिए हमने उन्हें इन्वाइट किया और आप तशरीफ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड बात, अनुर भाई आपने एक सवाल किया कि आप उनके तबादले की बात कर रहे थे और फिर आज उनके साथ खड़े हैं। अनुर भाई देखिए, मैंने उस वीडियो में भी ये बात कही थी कि वो मेहनत करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कभी भी कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ हम जाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ आईना दिखाने वाला काम करते हैं। हमने इंचार्ज साहब को, ट्रैफिक इंचार्ज साहब को ये बताया कि सर यहाँ पे अलमास कॉलोनी में, शिमला पार्क में, तनवर नगर में, समथिंग चांद नगर के हल्के में और आगे अमृत नगर समथिंग इलाके के अंदर बहुत काफी जाम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस जो हमारे स्टाफ लोग साहब के हैं वो लोग वहाँ तैनात बरोबर नहीं पाए जाते थे, जिसको लेकर के डीसीपी साहब ने ज्वाइंट मीटिंग लिया, खुद वहाँ पे सीनियर साहब मौजूद थे और डीसीपी साहब ने जो 35 लोगों को दिया है हमारे शहर के लिए उनको सब जगह पे तैनात किया है। और मैं सीनियर साहब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मुमरा शहर के अंदर आज तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर से जब से हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ के रखी है, जब से ट्रैफिक कंट्रोल है, हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं खत्म होना चाहिए। शमीम भाई कितने जैमर दिए गए? टोटल 40 जैमर दिए गए हैं। मैं ये कह रहा था आरिफ भाई कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक की समस्या है तो उसमें योगदान हम लोगों को भी देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग रास्ते में गाड़ियां पार्क कर देते हैं, लाकर के हॉकर्स रोड पे धंधा लगा देते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि शमीम भाई की बस दो दो घंटा लेट हो गई, शहर में नहीं आई, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसके लिए योगदान के लिए हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा। हर जगह पे राजनीति करने से, हर जगह पे पॉलिटिक्स करने से हमारे शहर की तरक्की नहीं होगी और हमारे शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, अगर ट्रैफिक को संभालना है, हमारे सीनियर साहब कोलटकर साहब का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे जो इंचार्ज साहब ट्रैफिक के हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के हमारा शहर और सुंदर बनेगा। और पूछिए आप। अमीन भाई, मुमरा में सबसे ज्यादा अहम समस्या जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का अभी ट्विन वैन चालू किए गए, ट्विन वैन से गाड़ी उठाई जाती है फिर उसको दंड भर के छोड़ा जाता है, उसमें भी कई सारी पार्टियों ने राजनीति भी की है और अभी मुमरा में फिलहाल नो पार्किंग जोन तो बना दिया गया है लेकिन पार्किंग जोन अभी तक नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने कहा कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति किया, मैं उन्हें ये कह सकता हूँ कि वो बच्चे लोग हैं, उनको शायद सबक मालूम नहीं है शहर का, ये मालूम नहीं है कि शहर वन साइडेड है। यहाँ पे मैं, हमारे तरफ हमारे इंचार्ज साहब दोनों खड़े हैं, मैं यहाँ राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान, मैं खुद एक पॉलिटिकल हूं लेकिन मेरे शहर को लेकर के मैं पॉलिटिकल बाद में हूं, पहले मेरे शहर को बनाने में, संवारने में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है, इस तरीके से उन लोगों को भी उतरना पड़ेगा जो सिर्फ बैठ करके फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से या किसी को बदनाम करने से ये राजनीतिक पार्ट नहीं होता, इससे हमारे शहर की तरक्की नहीं होती। हमारे शहर का नाम रोशन करना है तो सबसे पहले हर अच्छे कामों का सपोर्ट करना पड़ेगा।
नो पार्किंग जोन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से ये मांग करता हूं और आपके माध्यम से डीसीपी साहब से भी मांग करता हूं राठौर साहब से कि सर मुमरा शहर के अंदर भी जो नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगता है, मैं ये विनंती करता हूं आपके माध्यम से कि ये लगाया जाए जिससे लोगों को ये मालूम पड़े। नो पार्किंग जोन है चविन भाई, पार्किंग जोन नहीं है। देखिए नो पार्किंग जोन बहुत जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे है। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सीनियर साहब को। पार्किंग जोन भी, पार्किंग जोन की भी हम मांग करते हैं कि शहर में सर पार्किंग जोन ही बनाया जाए। पार्किंग जोन है ना, वो महानगर करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पार्किंग, जो हॉकर्स लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बातें करते हैं कि भाई किस्मत कॉलोनी से लेके इधर ट्रैफिक रहती है वहां हॉकर्स बैठे हैं, अमृत नगर में हॉकर्स बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे जो हॉकर्स लोग भाई लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे विनती करता हूं मैं कि आप लोग प्लीज पहली बात तो लगाओ मत, अगर सेकंड लगाते हो तो ये देख के लगाओ कि आपके नाते औरों को तकलीफ ना हो, आपके नाते औरों को परेशानी ना हो, आपके नाते एम्बुलेंस को परेशानी ना हो, आपके नाते स्कूल कॉलेज को परेशानी ना हो, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। नगर में जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम होती है, उसकी वजह जो बताई जाती है वो जिगजैग रोड है। अगर आप देखोगे तो एक डिवाइडर ये तरफ है, एक डिवाइडर ये तरफ, डिवाइडर है डिवाइडर जी, वो भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। तो उसकी दोस्ती या कोई उपाय है उसके लिए? 100% मैं इसके लिए थाने महानगर पालिका के हमारे एमसी साहब से हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, और आपने अच्छा सवाल किया है, इस पे वर्क होगा। और मैं, हाँ सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जामर आपको दिया जा रहा है, और अगर कम पड़े सीनियर साहब तो और कहना, और भी देंगे, किरण की भी जरूरत पड़े आपको जो फैसिलिटीज लगे आप बताना साहब, हम लोग हमारी पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ में है। और सीनियर साहब, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से आप 15 दिन से एक्टिव हैं, सर मैं आपके बारे में यही कहना चाहता हूं कि इससे और तेज दौड़िए सर, इंशाल्लाह ताला ये शहर, मुमरा शहर, इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक के मामले में भी अच्छा होके दिखाएगा।